कहीं पे भी धूप नहीं निकला हुआ है, बस थोड़ा सा सूरज निकला, उसको भी बादलों ने घेर रखा है। और इधर उधर इधर उधर चारों तरफ बस बादल ही बादल है। और दादी कितना मेहमान आए आज घर में? बहुत सारा गया। तो गाइस कल ईद खत्म हुआ, जितने लोग फ्री हुए सबके सब आ गए हैं, बहुत बहुत कोई आया घूमने। क्या कर रही है तुम? गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और गाइस अभी बज रहे दिन के 4:30 और आज का मौसम बहुत ही ज़्यादा सुहाना है। आज मौसम बड़ा बेईमान है और कल ईद था और आपको पता होगा रमजान जब तक चला तब तक 45 डिग्री था और आज शायद 30 या फिर 28-29 के आसपास है। चारों तरफ आप देख सकते हैं वेदर, कहीं पे भी धूप नहीं निकला हुआ है, बस थोड़ा सा सूरज निकला है, उसको भी बादलों ने घेर रखा है। और इधर उधर चारों तरफ बस बादल ही बादल है। और आज ब्लॉग लेट स्टार्ट करने का मेन मकसद ये है कि आज ज़्यादा कुछ हो ही नहीं रहा। हाँ, घर पे नए नए मेहमान आए हुए हैं, गेस्ट आए हुए हैं और हो ही नहीं रहा। सुबह से सोए हुए थे और रात में लेट से सोए, तो सुबह लेट उठे, लगभग 10 बजे के आसपास उठे। उसके बाद ये ड्रिल करने वाला आ गया, पर्दे वर्दे लगाने में टाइम चल गया, 1 बज गया। फिर 1 बजे के बाद एडिटिंग की, चांद्रात वाला ब्लॉग अभी तक अपलोड नहीं किया तो उसको भी आज अपलोड करना है। और ईद वाला ब्लॉग हम सोचे जल्दी जल्दी एडिट करके अपलोड कर देते ताकि आप सभी लोग देख लो। तो आज का ब्लॉग 4 बजे ही आ गया था और अभी चारों तरफ मेहमान ही मेहमान है। आप सभी लोग को दिखाते नीचे के साइड, देखिए वहाँ पे एक बूढ़ी जैसी दादी आई हुई है और इसको देखिए, वो दादी कुछ खाने के लिए मांग रही है और सारा वाज उसको अभी देगी। यहाँ नीचे आप नए नए चप्पल देख करके समझ ही सकते हैं कि घर के अंदर कितने सारे मेहमान आए हुए हैं और जिनके पास जाकर के ब्लॉगिंग नहीं कर सकते क्योंकि शर्म आती है मुझे थोड़ी। तो देखिए जैसा कि एक निकल रही है, ये तो घर की है और ये दूसरा, ये भी घर की है। तो ये दोनों घर के, बाकी जितना चप्पल रह गया वो सिर्फ और सिर्फ मेहमान का है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, वहाँ पे देख सकते हैं अरमान उरमान है, सब कुछ लाइट वगैरह सब कुछ खुल गया है। देखिए दादी को, और दादी कितना मेहमान आया आज घर में? बहुत मेहमान, बहुत सारा आ गया। तो गाइस कल ईद खत्म हुआ, जितने लोग फ्री हुए सबके सब आ गए हैं, बहुत बहुत कोई आया घूमने, जितना कोई मेला वेला घूमने के लिए आया हुआ है। तो दादी सुबह से काम कर रही है और वो दादी पास की है, आई थी घर में सवई खाने, तो देखिए वो लच्छा खा रही सवैया। तो गाइस चलते बाहर, ये रात में बहुत खतरनाक नाचा था और जा करके देखो ईद वाला ब्लॉग अपलोड कर दी। तो गाइस ये भी था रात में बनियान में नाचने वाला। अब देख सकते हैं सारा डीजे चला गया, लाइट भी सारा का सारा खुल गया, देख सकते हैं तो सारा डीजे चला गया। तो गाइस इसको मार के भी दिखाते हैं, देख सकते हैं आप। अभी तुम लोग कहीं घूमने नहीं जा रहे? जाएगा। तो गाइस अभी हम लोग जाने वाले हैं कोई नया वाला रेस्टोरेंट पे। घर से खरगोश बाहर आ गया, अब इसको पकड़ के घर घुसाना है, पर ही भागेगा भी। चल तो गाइस अभी फाइनली भाग गया अंदर, खरगोश चला गया अंदर तो बच गया वो, नहीं तो इधर आसपास में कुत्ता घूमते रहता है, कभी भी कोई भी कुत्ता खा लेगा इसका जैसा। देखिए ये दौड़ के जा रहा है अंदर खाने के लिए। देखिए खरगोश का बच्चा कितना ज्यादा बड़ा हो गया, अब डांस भी करने सीख गया, अरे मस्त डांस कर रहा है। अड्रा अड्रा नाक मुका नाक मुका नाक मुका नाक देते। अब से रैबिट को बास्केट में रखते हैं, वहाँ पे रहने से अच्छा रहता है। और देखिए ये सर के ऊपर बिठा रहा, बाल तो सादे है बड़ा, मुद्दे का बाल में तेरा एसिड लग जाएगा। क्या क्या देखता है रे? तो वीडियो मैंने कब का अपलोड कर दिया था, चांद रात वाला वीडियो अपलोड नहीं हुआ, पहले ईद वाला अपलोड हुआ। तो मेरा तबीयत भी कुछ ज्यादा सही नहीं लग रहा है, इसलिए आज ईद के बाद दूसरा दिन वाला ब्लॉगिंग हो नहीं पा रहा अच्छा। बट अभी हम छत पे ऐसे टहलने के लिए आए थे तो यहाँ पे देखे ये जो कपड़ा है ये सब ऐसे गया, और बुआ गई हुई महिला तो शायद कपड़ा उठाने भूल गई, तो जाके दादी को बता देते हैं। तो चलिए अभी चलते नीचे, हाँ क्योंकि हवा चलने लगा और ठंड भी बढ़ने लगी। अभी आपका कपड़ा ऊपर में टंगा हुआ है छत में। तो गाइस अभी शाम के बज रहे 7 और अभी चलते रूम पे। तो इन लोग को देखें, खाना भी खाना स्टार्ट कर दिया और वो पढ़ाई कर रही गाइस, फर्स्ट टाइम देख सकते हैं इसको, ये पढ़ाई कर रही। और हाँ एक इम्पोर्टेंट चीज, इसको पहले ऑफ कर गाइस। घर पे चारों साइड पर्दा लग गया है, पर्दा लगने के बाद और भी एक मस्त चीज हो गया, वो आप सभी लोगों को दिखाते हैं। तो गाइस फाइनली यहाँ पे सिल्वर प्ले बटन लग चुका है, देखिए ये ना ऐसे कांटे में सेट किया गया, ये देखिए 2 कांटे लगाया है ऐसे करके सेट हो जाता है, अब ये लग रहा है मस्त। और अभी फोन में बचा हुआ है बस 10% चार्ज। और आज का ब्लॉगिंग उतना कुछ खास नहीं है, मेहमान लोग जो आया था वो लोग गया हुआ है मेला घूमने के लिए,
अभी कुछ कुछ मेला लगा हुआ है तो वही देखने के लिए गए हैं वो लोग। थोड़ा सा चार्ज कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि मम्मी क्या बना रही, क्या कर रही है ये लोग। बाकी सब जितना भी बच्चा लोग था सबको रेस्टोरेंट चला गया, हम कहीं भी नहीं गए कि मेरा तबीयत खराब है। चाय बना के अभी पीने वाले, तो सायरा बाजी चाय बना करके दे रही है। ये रही यहाँ पे मटकी जो आज ब्लॉग में फर्स्ट टाइम आई, क्योंकि ये दिन भर मार्केट घूमी, उसके बाद घर पे बहुत सारा मेहमान आया था जिनके साथ ये थी। बाकी एक स्पेशल चीज है, तो गाइस जो खरगोश का बच्चा था ना उसको इस वाले रूम पे रख दिए हैं, और वो लोग है ना हमेशा इधर उधर भाग जाता था, मतलब इसी रूम पे रहता था पर भागता था, तो उन लोगों को इस बास्केट के अंदर रख दिए और इनको आलू का भुजिया दे दिए, तो ये लोग खा रहा बैठ कर। तो चलिए अभी चाय पीते हैं और मन को हल्का करते हैं। और ज्यादा सर दर्द हो रहा है, बुखार तो होना पक्का है, कल शायद में भी बुखार हो जाए। अभी जितना भी बच्चा बच्चा है सबको जायका चला गया, एक नया रेस्टोरेंट खुला है उधर चला गया। अभी चाय बन गया, ये रहा चाय छकनी इसको बोला जाता है। तो अभी चाय और जो बचा हुआ पापड़, क्या कर रही जाए तुम, सबसे बड़ी पागल है घर में। तो कैसे आ गया यहाँ तक, कैसे गिरा बताओ? खाली था, सस्पेंशन गिर गया। वैसे अभी मम्मी बर्तन धोकर के आ रही है और ये खरगोश घर घुस रहा है। तो गाइस अभी उनको थोड़ा थोड़ा बुखार आना स्टार्ट हो गया रात में, कल पता था कल ब्लॉग कर पाएंगे कि नहीं, बट अभी ये लोग आ चुका है जायका से। क्या क्या खाया रे? बिरयानी खाया, लॉलीपॉप खाया। तो गाइस ये दोनों गया हुआ था, पूरा खा पी कर आया। कितना रुपया लेके गया था रे? 500। क्या आ गया? पूरा पैसा, पूरा पैसा, मुर्गी का टांटा। गाइस ये लोग पूरा का पूरा पैसा खत्म करके आ चुका है। 15 रुपए बचा, 500 लेके गया तो 100 मेरा है, मेरा इसके पास 250 था, मेरे पास 300 था। अब इसका 185 इसका घटा दो। जोड़ा रखा है तुमने? 185 घटा रहा है। अरे हाँ टोटो भाड़ा दिया तुम, देंगे 20% ले लेते। 100 रुपए दो ना। 100 रुपए। तो गाइस देखिए ये लोग पूरा पैसा इधर उधर खत्म कर दिए और अभी लोग आपस में बात बात कर रहा है कितना कितना रुपया किसका किसका था। देखो 20 रुपया ही बड़ा है, देखो बड़ा नोट है। कितना उठो लो, चलो 20 रुपए मिल गया, पैसा खत्म हो गया। तो लंका ही हो गया। तो इन का सारा पैसा खत्म हो गया। तो गाइस चलिए अभी चलते खाना खाने के लिए, क्योंकि हम भी हमको भी खाना खाना है और पापा अभी गए हुए हैं कहीं दावत में। इस खाने में बना हुआ है आलू का सब्जी रोटी। अरे यार नीचे गाइस देखे यहाँ पे उस टाइम पे जो सारवाजी चाय गिराई थी वो चिपक रहा है, एक वो हम चप्पल पहन के घुस गए थे। तो गाइस आई होप आप सभी लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ये नॉर्मल सा मेरा तबीयत खराब है इसलिए ब्लॉगिंग नहीं कर पाया, बट जितना भी किए सुबह तबीयत खराब नहीं था। अब वैसे सुबह बहुत सारा काम हो रहा था, बहुत सारा मेहमान आया, बहुत कुछ। तो आप सभी लोगों को ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आप सभी लोगों से कल यानी कि नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अभी देख सकते हैं सलमान को दूध और सेवई खा रहा है और इन लोग किधर किधर जा रही, मम्मी मना कर रही है, पंखा ऑफ करना, आवाज हो रहा है। पैसा है तेरे पास जो शर्ट फिटिंग करने जाएगा? फिर आ जाएगा शर्ट फिटिंग। मालूम है, मालूम है। आज तो कोई दुकान वाला भी नहीं खुला, क्योंकि इसके दूसरे दिन सब घूमता होगा। तुमको बस। और गैस यहाँ पे पर्दा के लिए ये लग रहा है।